नमस्कार, मैं नीलाक्षवस्त लोकबात में आपका स्वागत करता हूँ। आज 9 सितंबर है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म दिवस। आइए जानते हैं भारतीय लेखक हरिश्चंद्र जी के बारे में। श्री हरिश्चंद्र जी हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमिका अपनाई और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण ही अपना साहित्य का लक्षण बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनसे पहले भी लिखे जाते थे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन, सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंगकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाकर्म पथ दर्शक बन गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु मात्र 7 वर्ष की होगी। ये दिन उनकी आंख खुलने के थे। भारतेंदु का साक्ष्य है कि उनकी आंखें एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। उनके पूर्वज अंग्रेज भक्त थे, उनकी ही कृपा से धनवान हुए थे। हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तो माता जी की मृत्यु, 10 वर्ष के थे तो पिताजी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। विमाता ने खूब सताया, बचपन का सुख नहीं मिला। शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज में आते जाते रहे, पर यहां से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहां जाते थे, उन्हीं से अंग्रेजी सीखी। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। धन के अत्यधिक व्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए और दुश्चिंताओं के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया। परिणाम स्वरूप 6 जनवरी 1885 में अल्प आयु में ही मृत्यु ने उन्हें ग्रस्त कर लिया। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह एवं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें लोकबात के साथ। धन्यवाद।